नमस्ते, मैं होमो रुडोल्फे सी हूँ। मैं तुर्कानक झील में पकेक गए थक पूरा में रुडोल्फो जी और यही ई मेरक नकम आतक है। मेरी उम्र 1.95 ए 1.78 समसलिन रारे बीच है। मेरी प्रजक्सत संलुप्त हो चुरी है। मैं 1.7 मीटर लीम्बक थक और पुरुरोई रेसले जन 64 सलोग्रकम और मसाल कोइन रेसले 49 सलोग्रकम थक। मैं पूरी अफ्रीक में रह तक थक। मेरी पकल क्षमता 560 घन सेंटीमीटर थी। उत्तरी रेनेक में ही अरसी ए होमो हैस बसली और होमो एगास्टर रे जी पशोइंगी खोज ए ही इमे मिंती बुद्धिमकन प्रजक्ति इंदे ए अध्यस्त पुरे बकरे में सिलचस्प बही खोलती है। होमो रुडोल्फे सी ए उच्च श्रेणी भी इनकज में प्रमुख पुरु रे इकत रहतक थक सजनी मुख पर प्रभुत्व प्रयोग सरे थक। बच्चों इन्हें इमे ए फलेजन वे करण मेरी प्रजक्सत न्यूनरी एक भकल रने में बहुत इमे सबक्य ए एक तथ्य सजनी मुख बीन रो मजबूत सरेक होमो हैस बसली रे इकत हमकरी मजबूत प्रसतवी सदुकत थी। स्थानीय जीरोई में आज पहचक ने जितने प्लेज नर जय गेंदक जेबर शेर आसी भोजन भी आश्चर्य तक ये कहर जग रोई सशंकर रनेरस ले उपरण बनक ने कली पहली प्रजक्सत मेरी प्रजक्सत थी। हेलो, मैं होमो हैवी ब्लस हूँ कुशल आदमी के बिले लेविन शब्द से। मैं बक्सी तरह का पुरातन इंसान हूँ और मेरी उम्र 2.3 से 1.6 बम्बलिन वर्ष के ईच है। मेरे अधिकांश जीवाश्म के न्या के ओडुआई में पाए गए हैं। मेरी प्रजापत से सुई उम्बित पत्थर के औजारों की खोज के सुंदर्श में मेरा नाम है विब्लस है। मैं अपने हाथों को दियाने में सक्षम था ताबक मैं पत्थर के औजार इना सकूं। मेरी प्रजापत ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सुईमी में मस्तिष्क के आकार में वृष्टिकृत करती है जिसकी गणना 510 सेंटीमीटर सुपरस्क्रिप्ट 3 और 600 सेंटीमीटर के ईच की गई है। इसके अलावा मेरी खोपड़ी एक छोये चेहरे के साथ अब एक कोल थी जिसमें निदेदार और मोई तामचीनी और डायस्टेमा की अनुपस्थित पर थी जो पवशदार और के 9 के ईच अलगाव है। मेरी ऊन बलियाओं और पैर की ऊन बलियाओं मुड़ी हुई थी। यह दशाश्ता है बक हम अरीरी पेड़ों का उपयोग कर रहे थे। मेरी प्रजापत मन रूप से मैला ढोने वाला था। मादाओं में विपाद की स्तत्व बत नेश्रोबण की कमी का कारण इना बजस का अक्ष है बक जनों की प्रगबत में अनुवाद बकिया गया था। बजस का अक्ष है बक इचों की देखराल के बिले अभी समय संभक्षत था और इस बले मजीत सामाजक सुनी उनको इनाए रखने की आवश्यकता के बिले जो एक संस्कृति बत के विकास में अनुवाद करेगा। नमस्ते, मैं होमो एर्गस्टर हूँ जिसका अर्घ है काम का ही आदमी। मैं जरियोजिया तुम्हें आजन्या केन्या और इरजरिया के क्षेत्र में रहता रहा। मेरी उम्र लगभग 1.9 जमजलिन वर्ग है। इलवायु भूत शुष्क रही और सूखा लगभग 1,00,000 वरों तक चला। मेरी कियाल क्षमता 880 घन सेंटीमीटर रही। मेरी ऊंचाई 1.60 मीटर और विन 65 जकलोरा। इधर वक्तन के अन्य भोज तक इहलू अंतर्गत ताइमान को जब जने जमत करने का तरीका रहा जिससे सीना यदा होता रहा जिससे शरीर के बाल झड़ते रहे। सार ही श्वास अब केवल मौखत नहीं उड़ी नाक से सांस लेना शुरू कर जदया जिससे अजिक उया भूंदारण और ऑक्सीजन की अनुमजत जमली जिसके इरनाम सुरूई जटशीलता के जिले अजिक क्षमता सवाना में ईजवत रहने के जिले आवश्यक। मेरी प्रियाजत सबसे हिले अफ्रीकी महाद्वीप को छोड़ने में सक्षम भी क्यों जवज भन इलवायु रख थर जतियों के सार ग्रह के अन्य क्षेत्रों के अनुकूल लरी। मेरी प्रियाजत नियार बनाना सीखा। इस प्रकार हम थू देथरानों में रहने और जवज भन प्रकार के भूइन प्राप्त करने में सक्षम रहे जबकास के सूंद भग में इसका अर्गभूत सारे रवतनों के सार रहा। मेरी प्रियाजत नेजन मागन की एक शैली के साथ इजल उतरणों के ज्वस्तार में एक बड़ा सुयार हादसा जगह जिसे इच जलन कहा जाता है जशकार में जिक प्रभावशीलता प्राप्त करने के जिले समूह सहयोग भारण के विकास के जिले जरी रोहत। हेलो, मैं होमो इरेक्टस हूँ। मेरी प्रजातियाँ पिछले और मध्य प्लीस्टोसी युग में 1.9 तमतले वर्ष और 117,000 वर्ष के बीच रही थी। मैं पूर्वी एशिया में रहिया था। हालांकि तक जीवाश्म अभी अफ्रीका और यूरोप में पाए गए हैं। इसकी कपाल क्षमिया 900 और 1,200 सेंटीमीटर के बीच थी। 1.80 मीटर एक मापी जा सकी थी और यह विषमाई माइट के समाई थी। मैं एक सवाशहारी आहार वाला तिकारी और सुमरा की आश था। उप प्रजातियों में यातमल है जावा में मस्तिष्क के उस तरह से को धारण करिया है जो भारा को तीन ती करिया है। हालांकि तक यह अज्ञाई है तक क्या वह वाइट में बोलिया है। इतकी मई उन्होंने ये आग और हड्डी और लकड़ी के औजारों के ईमाल के सबूत छोड़े जो अन्य पत्थरों से दिए थे। अकेला आदमी मूल रूप से जावा से असामान्य रूप से उन्हीं संस्कृति के साथ वह जत्तल उपकरण दिया ये में सक्षम था। लेंकटी आदमी कून कर जैसी जत्तल इकाईदार व्यूहों को फ्यूवी करिया है और आग को जाइया है। इयाइत कुगा में ची के इयाइत कुगा के पास याओ पक्षी मेहुल गुफा में जीवाश्म पाए गए। युआईमो आदमी यह ची के युनाई प्राउनी के युआईमो तजले में पाया गया था और सुंगुंत भी उपकरण पाए गए थे। अफ्रीकी होमो इरेक्टस बहुई अधिक आधुनिक है और अपीय उपकरण बियाये कितले एचुतले यामत एक इकी का उपयोग करिया है जब तक एटीआई होमो इरेक्टस ओल्डुवे की का उपयोग करिया है। नमस्ते, मैं होमो पूर्वज हूँ और मुझे यूरोप में सबसे पुराना होमरन माना जाता है मूल रूप से अफ्रीका से होने के कारण मैं आधुमंत मनुष्य और मने और दर्थल के बीच अवमतम सामान्य पूर्वज भी हूँ। मैं लगभग 900,000 साल पहले जीवन था और मेरी प्रजामत मलुप्त हो चुकी है। अधिकांश व्यक्ति 160 से 185 सेंटीमीटर लंबे थे। मजंता जन 60 से 90 किलोग्राम के बीच था जो मिखने में मजबूत पुरातन और अन्य आधुमंत विशेषताओं के साथ थे जो एक मरकासराही ममश्रण को मंधावरत करता है। मेरा 1000 सीसी का विमान आज के योसान के 1300 सीसी के विमान से छोटा था। समिलियों के कम तापमान के सोमपकव में आने के कारण जानवरों की खाल को कोट के रूप में इस्तेमाल करने वाली होमो नर्स की यह पहली प्रजामत हो सकती है।
यह खाना पियोष था और बैल बाइसन और महान जैसे जानवरों का मशकार करके रहता था। यह एक असराई मशकारी और जोंगली फल और सत्याओं भी था। यह लगभग 40 रसों की जीन प्रत्याशा के साथ 40 से 50 व्यक्तियों के समूहों में रहता था। मशकार के उपकरण बहुत ही सरल थे और हमियों डोंडों और गुच्छा पत्थरों से बनाए जाते थे जो अल्पमर्कमसक तरीके से काम करते थे। ममट्टी और रिकेमक्षण के साथ बहुत ही प्राथमिक मचतों का मरकास बाहर खड़ा है। अमधक इंतहास रिंडियो एक निकमने रिंडियो मरण में मेरे चैनल पर जाए अगले रिंडियो मने और डरथल आईने। हेलो मैं हूं मोनिए डरथेले नी हम मैं वर्तमान ई 230-0000-40-0000 पहले यूरोप निकट पूर्वत मध्य पूर्वत और मध्य एनिया में रह रहा था। मेरी प्रजानर नवलुप्त हो चुकी है। नवनिन्न अध्ययी आधुनिक म्यूशो और निये डरथल केनले एक यामान्य उत्पन्नी का इंकेर दे रहे हैं और यहाँ नक दोयों प्रजानरियों के बीच इंटरन था। मेरे पाए आधुनिक माइस की रुलिया में अंधक मजबूर इरी रचिया थी नजमें चौड़ी छारी और कुल है और छोटे अंग थे। मेरी खोपड़ी की नवीय शरा हैनक योहो में हड्डी का दोहरा मेहराब घटरा हुआ माथा ठुड्डी का इहोया और कपाल की क्षमरा होमो एनपेंस एफडी है। निये डरथल की आबादी हुई 2 लाख वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर थी जब हम अकेले यूरोप में लगे 11,000 व्यक्तियों के यात मौजूद थे। नेहंगलुप हुए के कारण अज्ञान है लेन की कई परत कल्पियाँ हैं। होमो एनपेंस का नवस्तार और इनियादियों के लिए प्रनर्स पदार्थ बीमारियों का इंक्रमण नजिकेन लय हमारे पाए कोई बचाव और इंकरण यही था। जलवायु परवर्ती केन्द्र गैरियोपुली इटली में स्थित एक यूपरवॉल के यो का नवस्फोट जो लगे उरी 1000 ईयर पहले हुआ था और पूरी यूरोप और यूरोनिया केन्ह सेमिनराग के बादल छोड़ गया था को ई माया जाना है। अंधक कहानी वीडियो देखिए केन्ले वीडियो नवरन में मेरे चैनल पर जाएं।